सरकार नियंत्रण थकत ये खामखानी गुना जो ओला कमिशन कटे निच्चे से कमिशन गुलो खामखानी गुना काटते पारतो ना। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि जारी है, इसके खिलाफ टैक्सी व ऐप कैब संगठन के प्रतिनिधि सड़क पर उतरे व जोरदार प्रदर्शन किया। संयोजक नवल श्रीवास्तव ने कहा कि देखा जा रहा है कि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि जारी है, हमने इस पर GST लागू करने की मांग की है, साथ ही टैक्सी व ऐप कैब के किराए में वृद्धि को लेकर के अपील की है और इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व परिवहन मंत्री फिराद हकीम को पत्र भी लिखा है। यदि हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो आगे और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। 50,000 रुपया जो आपको आपको देते हैं रुपया आप दुर्गा पूजा के टाइम में किसका पैसा है भाई जरा बताइए हमको आप, वो हमारा आपको टैक्स का पैसा है 50,000 रुपया। आप 2,00,000 रुपया करके डोनेशन दिए सबको दिए पूजा के टाइम में, आप किसका पैसा है? किसी के बाप का पैसा नहीं है वो आपका हमारा दुनिया सबका आदमी का सर कर का टैक्स का पैसा पैसा जो है वो पैसा सब दिया जा रहा पैसा हो और टैक्स ये किराया बढ़ाने के लिए लोगों कष्ट हो लोगे तो हम सरकार से मांग करते हैं। हम लोग कल मुख्यमंत्री को पत्र भेजा मुख्यमंत्री के पास में, परिवहन मंत्री से कल हमारा बात हुआ कल टेलीफोन के ऊपर में, और बोले 31 तारीख को बैठेंगे। हमको बोला कि डीजल दाम हो तो दाम बढ़ चे अपना को चिंता नहीं अपना परिवहन दफ्तर घूमिया आज परिवहन दफ्तर क्यों बस टैक्सी चल में तर चिंता कर अपना चिंता कर चिंता कर चिंता कर चिंता कर चिंता कर चिंता कर बड़े 30 तारीख पर बसबो हमारा 30 तारीख पर बसबो हमारा यानी गाड़ी वाले को एकदम लावारिस छोड़ दिया गया है। ये बार बार मीटिंग मिचिल हो रहा है, बार बार ये बताया जा रहा है कि भैया गाड़ी वाले का गुजारा नहीं हो रहा, गाड़ी वाले का बीवी बच्चा रोड पर आ गया है, दो गाड़ी का आना और चप्पल खरीदने का पैसा नहीं बच रहा, सारा पैसा डीजल में चला जा रहा, फिर भी यहाँ के राज्य सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम बच चेका नो केंद्रीय सरकार जवाब जाए जवाब दाओ जवाब जाए जवाब दाओ।